सारा प्रणाम। इलाहाबाद हाईकोर्ट का 150वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस मौके पर आयोजित समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया है। इस समारोह में हाईकोर्ट की गौरवशाली परंपरा को याद किया गया। और इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के कई ऐतिहासिक फैसलों से अदालतों की गरिमा बढ़ी है। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर देश की मौजूदा न्यायिक और राजनीतिक प्रणाली से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां भी संगम नगरी में जमा हुई। दुल्हन की तरह सजाया गया ये भवन है इलाहाबाद हाईकोर्ट का और मौका है इलाहाबाद की 150वीं जयंती का। इन 150 सालों में हाईकोर्ट ने समाज और न्याय के हक में कई ऐतिहासिक फैसले दिए। इस बात को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी रेखांकित किया और कहा कि न्यायाधीशों के ऐतिहासिक फैसलों से अदालतों की गरिमा बढ़ी है। The central government has initiated a central sponsored scheme for infrastructure development and sanctioned ₹3,694 crore to states and union territory in the last 5 years. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी एस ठाकुर ने कहा कि न्यायपालिका के सामने भीतरी और बाहरी दोनों तरह की चुनौतियां हैं। We have great challenges to in future. And we need to get ready to meet those challenges. Judiciary as an institution, as we all know, is always under public gaze. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों से उत्तर प्रदेश के विकास में मदद मिली है। देश ने संविधान का स्वीकार करने के बाद जो विभिन्न निर्णय उच्च न्यायालय ने दिए हैं, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने में उसका एक बहुत अहम इस प्रकार का रोल रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे फैसले दिए जिसने नया इतिहास रचा और समाज को नई राह दिखाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज भी दूर दूर से लोग न्याय की उम्मीद से आते हैं। इलाहाबाद शहर के साथ ही मान्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद का भी अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। न केवल ये देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है बल्कि यहाँ के विद्वान न्यायाधीशों ने समय समय पर ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए जो न्याय और संविधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए। इन फैसलों ने देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया। इस मौके पर 10 रुपए का एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया जिस पर हाईकोर्ट का चित्र उकेरा गया है। 150वीं जयंती पर होने वाले समारोह 17 मार्च तक चलेंगे। हाईकोर्ट को 1866 में आगरा शिफ्ट किया गया था और बाद में 1869 में इसे फिर इलाहाबाद शिफ्ट किया गया। समय के लिए इलाहाबाद से मुमताज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की गौरवशाली परंपरा पर चर्चा करने के लिए इलाहाबाद से हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महामहिम केशरीनाथ त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है त्रिपाठी साहब। केशरीनाथ जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लखनऊ से हमारे साथ हैं रिटायर्ड जज सीवी पांडे साहब। पांडे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत महामहिम त्रिपाठी जी से करते हैं। त्रिपाठी जी आपका नाता इलाहाबाद से बहुत पुराना रहा है, आप खुद वहाँ पर रहे हैं, ऐसे में आप किस रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, भारत का तो है ही, और इस उच्च न्यायालय से मेरा 1955 से संबंध है, यानी लगभग 61 वर्ष। इसमें से उस समय को हम निकाल दें, उस कालखंड को निकाल दें जिसमें मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष था या प्रदेश का मंत्री था या अब राज्यपाल हूँ, तो भी लगभग
45 और 50 वर्ष के बीच का मेरा अनुभव इस उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता के रूप में है, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों के द्वारा देश में एक और कानून को विकसित करने में महती योगदान दिया है, दूसरी ओर प्रदेश की जनता को न्याय देने में भी सफल रहा है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद यदि हम इस उच्च न्यायालय के इतिहास को देखें तो बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिए हैं। जी, न्यायालय का एक कार्य होता है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करें, और अगर उनमें कहीं विरोधाभास है तो उसमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें, या उस निर्णय को, उस मसले को तय करने की कोशिश करें। केशव सिंह का मामला ऐसा ही उत्तर प्रदेश में था, जिसमें विधायिका और न्यायपालिका में टकराव हुआ, जो विधायिका और न्यायपालिका में टकराव हुआ जी जी, और अंत में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। आज भी केशव सिंह के केस को, उस मुकदमे को उद्धृत करते हैं लोग विभिन्न प्रकार के वादों में। दूसरा मामला हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और किस हद तक सरकार को किसी व्यक्ति को नज़रबंद करने का अधिकार है। डॉक्टर लोहिया ने जो हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल की थी, उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला उच्च न्यायालय का हुआ, और वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की अभिव्यक्ति के आधार पर व्यक्ति कितना कह सकता है, कहाँ जा सकता है, किस प्रकार उसे नज़रबंद किया जा सकता है, नज़रबंद नहीं किया जा सकता, एक बहुत विस्तृत विवेचना उस निर्णय में हुई। लेकिन इधर हाल के कुछ वर्षों में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, जब 1975 में इस देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया गया। वह स्वयं में एक महत्वपूर्ण फैसला था, और देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द किया गया था। यद्यपि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी चुनाव को चुनौती दी गई थी उस समय जबकि वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन वह याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव की याचिका स्वीकृत हुई, और उसका परिणाम यह हुआ कि बाद में देश में आपातकाल हुआ। तो यह निर्णय स्वयं एक महत्वपूर्ण था, लेकिन आपातकाल को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के द्वारा और श्री वी के एस चौधरी के द्वारा जो एक रिट फाइल की गई थी, उसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय दिया गया, जिसमें न्यायमूर्ति श्री के बी अस्थाना ने कहा था कि यदि इस देश में इमरजेंसी इस प्रकार लगाई गई तो इस देश की सड़कों पर हिटलर का भूत घूमेगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य था जो समय समय पर आज भी लोग उद्धृत करते हैं, और उच्च न्यायालय ने स्वयं में एक कीर्तिमान स्थापित किया। यह दूसरी बात है कि बाद में उच्चतम न्यायालय ने उस निर्णय को पलट दिया, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। जी जी, अभी हाल में राम जन्मभूमि के मसले पर यहाँ निर्णय हुआ, इतने दिन से वह वाद लंबित था, और श्रेय जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन न्यायाधीशों का जिन्होंने इस निर्णय को दिया, और समयबद्ध की समय की कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मामले का निपटारा कर दिया। जी जी, हमारे साथ हमारे साथ था इस पूरी चर्चा में त्रिपाठी जी, लखनऊ से रिटायर्ड जज भी सीबी पांडे साहब भी मौजूद हैं, हम चर्चा आपसे भी जारी रखेंगे। पांडे जी से पहले ये पूछ लेते हैं, पांडे जी इस अवसर को आप किस रूप में याद रखना चाहेंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से नाता आपका भी पुराना है, ऐसी कौन सी बातें इस आज के दिन आपको याद आती हैं जबकि 150 साल पूरे हुए हैं, जिनसे कि ये कहा जाए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक देश की न्यायिक व्यवस्था में अपने आप में कोई मिसाल कायम की? देखिए, जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा, इसमें तो दो राय नहीं है कि इलाहाबाद के उच्च न्यायालय से द्वारा बहुत बड़े बड़े और बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए, और ऐसे पर फैसले हुए जो देश की राजनीति को, जो लोगों के अधिकारों के संबंध में एक मार्गदर्शक के रूप में ये एक तरह से साबित हुए, और उसको बहुत लोग उद्धृत करते हैं। बहुत से इमिनेंट लायर हुए वहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में, बहुत से इमिनेंट जजेज हुए जिनका नाम सब लोग लेते हैं, और ऐसा हुआ ऐसा है कि बहुत से लोग उनको समय समय पर उनको याद करते हैं। ये तो एक ग्लोरियस पास्ट है।
लेकिन देखिए, हम ग्लोरियस पास्ट में इस पर कोई संदेह नहीं है कि इस 150 साल का सफ़र करते करते आज इलाहाबाद हाईकोर्ट यहाँ पहुँचा है कि उसके ग्लोरियस पास्ट को मनाने के लिए हम सब लोग बहुत तत्पर हैं। लेकिन इस मौके को इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि हमारे सामने जो बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं न्याय व्यवस्था में, उसको कैसे हम उसको रिजॉल्व करें। अब आप समझिए कि जब संविधान लागू हो गया, पहले तो हाईकोर्ट में सिर्फ सिविल और क्रिमिनल मैटर देखे जाते थे, मैट्रिमोनियल मैटर देखे जाते थे। जब संविधान लागू होगा, भारत का संविधान 1950 में जी, तो उसके बाद एक तरह से फंडामेंटल रिट का ज्यूरिडिक्शन हाईकोर्ट को मिल गया, फंडामेंटल राइट सबको, हर नागरिक को मिल गया, हर नागरिक को अपनी बात कहने के लिए और अधिकार पाने के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया जिसको कि न्यायालय में लोग लेके जा सकते हैं। फिर आगे चल के पब्लिक इंटरेस्ट लोकहित अपना एक नया एक अध्याय शुरू हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसमें कोई भी आदमी कहीं भी मामले को हाईकोर्ट में ले सकता है। आज ये स्थिति है कि किसी भी सरकारी फैसले के खिलाफ आप रिट में हाईकोर्ट में जा सकते हैं। तो बहुत बड़ा अधिकारों का दायरा बहुत बड़ा बढ़ गया और उसके हिसाब से हाईकोर्ट को सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हुई जी जी। और ये चुनौतियों को रखने के लिए ज्यादा जजेज चाहिए हमारे पास, जल्दी डिस्पोजल चाहिए, कॉम्पिटेंट जजेज चाहिए, ट्रांसपेरेंट लोग ढंग से कार्रवाई करना चाहिए। तो हम समझते हैं कि अभी जैसे 160 की संख्या है, अभी हाईकोर्ट में सिर्फ 70-71 जज हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जब दायरा इतना बढ़ा, जिम्मेदारी इतनी बढ़ी, तो उस हिसाब से जजेज भी संख्या होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी चुनौती है, ये ऐसा हाईकोर्ट नहीं बनना चाहिए कि सिर्फ ऐसा हो कि बड़े लोगों के लिए हो। जब आपने मौलिक अधिकार एक देश के मामूली गरीब आदमी से को भी आपने दे रखा है, तो उसको भी ऐसा इस तरह की स्थिति हैसियत बननी चाहिए कि वो हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले को ले सके जी। तो हाईकोर्ट के सामने ये भी बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे हर देश के, इतना बड़ा प्रदेश है 18-22 करोड़ के लोगों को, 22 करोड़ लोगों को हर आदमी जो न्याय का दरवाजा खटखटा सके उसको हम न्याय दिला सके। पांडे जी, ये चुनौती देखने के लिए केसेस की जो पेंडेंसी वाला जो मामला है, वो केसेस की पेंडेंसी सभी न्यायालयों में लगातार बढ़ती जा रही है, क्या आपको ऐसा लगता है? उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट चूंकि और ज़्यादा वहाँ पर वजन है, तो वहाँ पर भी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि न्याय से वंचित रह जाता है, जीवन के बहुत महत्वपूर्ण साल उसके गुजर जाते हैं अदालतों में। हम बहुत ज़्यादा विवादों की चर्चा आज नहीं करेंगे, 150 साल पूरे हुए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो पेंडेंसीज हैं, इस संदर्भ में क्या सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास नाकाफी रहे हैं, या फिर ये न्यायपालिका का अपना एक मामला है जिसको न्यायपालिका ने ही एड्रेस नहीं किया है? नहीं नहीं न्यायपालिका तो करेगी, ये जो अपॉइंटमेंट का मैटर है, आप देखिए तो पिछले 2 सालों से हाईकोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट रुका हुआ है, जिसमें न्यायपालिका का भी जिम्मेदारी है और कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। आज जो है, आज जो भाषण हुआ है, उसमें हमारे राष्ट्रपति महोदय जी ने सिर्फ कहा कि ये संख्या हाईकोर्ट के जजेस में बहुत कम है, उसको जल्दी से भरना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और भी लॉ मिनिस्टर थे, इन लोगों को भी इस बात को उठाना चाहिए था कि जल्दी से जल्दी हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है, जो जजेस कम है, उनको भरे ताकि जल्दी लोगों को डिस्पोजल हो मुकदमे का। जब आधे नंबर पर संख्या पर काम कर रही है हाईकोर्ट, 160 की संख्या 70 काम कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी मुकदमे का फैसला होगा? ये तो करना ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रास्ते निकालने पड़ेंगे जिससे कि लोगों को जल्दी न्याय मिले। देखिए, ये बहुत दिन से नारा चल रहा है, जल्दी न्याय, सस्ता न्याय, लेकिन ये जल्दी न्याय सस्ता न्याय के दोनों चीजें आज हम आज 60 साल में चर्चा कर रहे हैं पूरी नहीं हुई। 150 साल के हम ग्लोरियस पास बना रहे, लेकिन सस्ता न्याय और जल्दी न्याय का तो सपना पूरा नहीं हुआ। और चलिए, ये सपना पूरा नहीं हुआ पांडे जी, और इस सपने को पूरे करने के लिए ऐसा लगता है कि बहुत सारे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से हमारी देश की संसद को भी इस संदर्भ में ज़्यादा सक्रियता दिखानी होगी, राजनीतिक दलों को भी ज़्यादा सक्रिय होना होगा, सरकारों को ज़्यादा चेतन होना होगा, और कौन कौन से उपाय हैं जिसके कारण न्यायपालिका की स्थिति बेहतर की जा सकती है, साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साल पूरे होने पर क्या ऐसी परंपराएं इलाहाबाद हाईकोर्ट की हैं जिनको कि पूरे देश के लिए मानक समझा जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ हैं, फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के 150 साल पूरे होने की। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है जिसने कई ऐतिहासिक फैसलों से देश की राजनीति की दशा और दिशा को बदला है। समाज में कई परिवर्तन लेके आए हैं वो फैसले। और हाई कोर्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने वाले पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों का इस मौके पर यह कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों ने न्यायपालिका का सम्मान बढ़ाया है। हमारे सहयोगी मुमताज अहमद ने कुछ गणमान्य अतिथियों से बातचीत की। कार्यक्रम आप सम्मिलित हो, कैसा फील हो रहा है, कैसा कार्यक्रम है? हाईकोर्ट के जो भी पिछले 50 सालों में जो निर्णय हुए हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं और जो कि मील के पत्थर साबित हुए हैं। खासतौर से इमरजेंसी में जो जगमोहन सिन्हा का जो जजमेंट था उसने इस हाईकोर्ट की गरिमा को बहुत ऊंचाई तक ले गया और आज बैठ करके ऐसा लग रहा है कि हम एक जुडिशियल सिस्टम में बिल्कुल बैठ गए हैं कि इस लोकतंत्र प्रणाली में एक जुडिशियल सिस्टम है जो जिसको कि जनता को जो है सबको न्याय मिलेगा और एक चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सराहनीय कार्य किया है जनता के लिए। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और ऐसा लगता है कि शायद वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो आज का ये आयोजन है वो अब तक के कार्यक्रमों में सबसे सफलतम कार्यक्रम है और ये साबित करता है कि देश की न्याय व्यवस्था न्यायपालिका बहुत ही सुदृढ़ और वो नए आयाम को छुएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हाईकोर्ट के इस कार्यक्रम में आके आप तो यहाँ पे न्यायाधीश भी थे और बड़ा नाम है आपका, और कैसा फील सर आप? नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 150 वर्ष हो गए हमारे हाईकोर्ट के, बहुत ही ये महत्वपूर्ण आज का दिन है। राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश जी आ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है। हम सब के बहुत गौरव की बात है, गौरवशाली इतिहास है इस उच्च न्यायालय का। आज उसी के अनुरूप ये कार्यक्रम हो रहा है, हम सब गौरवान्वित हैं। कोई ऐसा क्षण जब आप यहाँ पे हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे, कोई ऐसा क्षण जो आपको बड़ा याद करता हो आ जाने से? यहाँ पर जो हमारे वकील लोग थे पंडित कन्हैयालाल मिश्रा, उनकी बहस सुनते थे लोग बम्बई हाईकोर्ट में, उनके बहस की चर्चा करते थे कि जब वहाँ जाते तो वहाँ चीफ जस्टिस बुलाया करते थे वहाँ के लॉ स्टूडेंट्स को कि आप लोग आइए इनकी बहस सुनिए। उनकी हम लोग यहाँ बहस सुनते थे तो लगता है हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान अधिवक्ता हमारे उच्च न्यायालय में हुए। आप तो यहाँ के सीनियर एडवोकेट भी थे, बहुत प्रसिद्ध लायर थे, अब महानुभव राज्यपाल हैं, यहाँ आने कैसा फील कर रहे हैं इस प्रोग्राम में? नहीं, देखिए यहाँ आकर तो निश्चित रूप से बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि हमारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद जो है इसका बड़ा पुराना इतिहास तो है ही, साथ साथ इसके द्वारा दिए गए जो ऐतिहासिक निर्णय हैं वो न्याय जगत में उनका विशेष महत्व है। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की भूमिका चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के पहले की हो चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के बाद हो वो बहुत महत्वपूर्ण रही और इस देश के न्यायिक विकास के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बहुत बड़ा योगदान है। तो स्वाभाविक है कि इसकी 150वीं वर्ष की जयंती पर तो मुझे यहाँ आना अच्छा भी लग रहा है और सब लोगों के अंदर उत्साह दिखाई पड़ रहा है और मैं समझता हूँ कि इतने व्यापक स्तर पर यहाँ व्यवस्था हुई है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी लोगों की है, ये और भी अच्छी बात है। इलाहाबाद से जुड़े थे, भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश थे, यहाँ आने पर कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, घर में जैसे होम कमिंग है मेरी, ये घर है। बहुत बहुत आनंद आ रहा है भाई, हमको तो लगता है घर में मेरा घर का फंक्शन हो रहा है, फैमिली का फंक्शन है, जैसे हमारे घर में सब फैमिली मेंबर्स हैं उसी तरीके से मैं महसूस कर रहा हूँ। इट इज़ अ मोस्ट हिस्टोरिक ऐतिहासिक प्रोग्राम है, 150 साल और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो गरिमा एक बार फिर से प्रकट हो रही है तो पूरा हाईकोर्ट क्या पूरा इलाहाबाद इसके स्वागत कर रहा है। जब इसका सेंटरी बनाई गई थी तो उस समय मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश था और आज हमको बड़ी प्रसन्नता लग रही है कि जब 125 साल
पूरे हो रहे हैं तब हमको फिर से यहाँ आ जाने का अवसर मिला। और आज सारे इलाहाबाद में उल्लास है, लोग याद कर रहे हैं इस हाजी। मैं यहाँ पे लगभग 1.5 साल के आसपास जिलाधिकारी रहा हूँ और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय न्यायाधीशों से बहुत ही एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशन रहा है और अच्छा लगता है कि फिर से वापस आ जाए और एक ऐसे भव्य कार्यक्रम में जिसका एक इतिहास रच रहा हो उसमें हम एक पार्टिसिपेंट के रूप में आ रहे हैं। और यहाँ पे भी अच्छी बात है कि जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं उनसे मुलाकात होती है। तो आपने देखा कि हर कोई इस कार्यक्रम में भाग लेकर उत्साहित था और इस समारोह में हिस्सा लेने आए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यतीन्द्र सिंह ने यह कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजनेताओं को सत्ता तक पहुंचाया है और सत्ता से बेदखल भी किया है। दुनिया का एक ही न्यायालय है जिसने एक प्रधानमंत्री को अपने पद से करप्ट प्रैक्टिसेस में हटा दिया। और ये भी सच है, ये दुनिया का एकमात्र उच्च न्यायालय है जिसने कि एक पदच्युत मुख्यमंत्री को कल्याण सिंह को वापस गद्दी पर बैठा दिया। और वो भी मुझे अच्छी तरह से याद है, मुकदमा मेरा बहस किया हुआ था और रात को हम लोग ने शनिवार इतवार की रात को बहस किया, इतवार को बहस किया और सोमवार को हम लोगों को वापस मिला जिससे कि वापस पकड़ गया है। तो जाहिर तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ फैसले सियासत में काफ़ी भूचाल मचाने वाले रहे। हमारे साथ इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल केशवनाथ त्रिपाठी जी और साथ में पांडे जी सीवी पांडे साहब जो कि लखनऊ में मौजूद हैं, रिटायर्ड जज हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, हम अगर न्यायपालिका की चुनौतियों की बात करें, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ही स्पेसिफिकली ये सवाल नहीं पूछ रहा, अगर न्यायपालिका की चुनौतियों की बात करें तो क्या ऐसा भी है कि न्यायपालिका के कामकाज में जो राजनीति है उसकी दखलंदाजी हद से ज़्यादा बढ़ गई हो? देखिए, इसके पीछे कारण की तलाश करना पड़ेगा। जिसको लोग दखलंदाजी करते हैं वो दखलंदाजी नहीं कही जा सकती, वो जुडिशियल एक्टिविज्म है। और जुडिशियल एक्टिविज्म और PIL की गुंजाइश वहाँ होती है जहाँ सरकार अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वाह नहीं करती। अगर सरकार रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे, संविधान और कानून के अनुसार कार्य करे, कार्यपालिका कानून और नियमों का ध्यान रखे, तो अदालत के अंदर काम की भी कमी होगी और इस प्रकार अदालत के सामने जो चुनौतियां आ जाती हैं उन चुनौतियों में भी कमी होगी। चुनौतियां वास्तव में जनता की आस्था को स्थापित करने के लिए आती हैं। न्यायपालिका के सामने जब जनता आती है, याची आता है, तो कहीं ना कहीं अपने को परेशान और ऑप्रेस्ड फील करता है, न्याय की मांग करता है और उस समय न्यायालय का ये धर्म हो जाता है कि वह उसकी आस्था न्यायपालिका में बनी रहे और शासन कानून के अनुसार चले, इस बात को सुनिश्चित करते हुए निर्णय दे। कभी कभी ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियां आ जाती हैं कि जहां न्यायालय को कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं, जैसे कि कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और यहाँ के तत्कालीन राज्यपाल रमेश भंडारी जी ने एकाएक उनको शाम को हटा करके दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। उच्च न्यायालय ने देखा कि ये तो कानून का घोर उल्लंघन है और रिट फाइल हुई, रिट अलाउ हुई, बाद में जो हुआ उसमें तो बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। तो जनता के मन के अंदर जो न्यायपालिका के प्रति आस्था है, उस आस्था को बनाए रखने के लिए जुडिशियल एक्टिव और PIL की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, हम प्रकार के उदाहरण यही सवाल पांडे जी से भी पूछना चाहेंगे। जस्टिस CB पांडे साहब हमारे साथ हैं लखनऊ से। आपको भी ऐसा लगता है पांडे साहब कि जो सियासत की दखलंदाजी है वो अपने आप में जुडिशियल एक्टिविज्म है, उसको दखलंदाजी नहीं कहा जाना चाहिए? नहीं, सियासत की जो दखलंदाजी जितनी भी है वो कोशिश, देखिए सियासत अपने ढंग से काम करती है। जैसे उत्तर प्रदेश के मामले में, उत्तर प्रदेश में आपने देखा इधर बहुत सारे जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उन अपॉइंटमेंट में क्या ये साफ नहीं है कि किस तरह से सियासत के लोग चाहते हैं कि जैसा वो अपॉइंटमेंट करे उसको हाईकोर्ट मान ले। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सियासत के इस मनसिबे को पूरा पानी फेर दिया, चाहे लोकसभा आयोग के अध्यक्ष का मामला हो, चाहे और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट में लोकायुक्त का मामला हो, ये सारे मामले जो है आप देखिए हाईकोर्ट ने इंटरफियर किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया और जाके, तो इस तरह के जो मामले हैं इसमें हाईकोर्ट की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है।
जब सरकार न्यायोचित ढंग से नहीं काम करती है, ईमानदारी से काम नहीं करती है, वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ काम करती है, अपने 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 व्यक्तिगत एजेंडे को चलाना चाहती है सरकारें, तो उस समय हाईकोर्टों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कम से कम उस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाया। और अन्यथा ये समझ लीजिए, अगर हाईकोर्ट इन सारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, चाहे यादव सिंह का मामला हो, इन सारे मामलों में अगर हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती, तो क्या आप समझते हैं कि भ्रष्टाचार के जो उत्तर प्रदेश में जो हालात है उस पर रोक लग पाता, इस तरह से नियुक्तियों पर गड़बड़ियाँ जो हो रही है उस पर रोक लग पाता? तो इस तरह हाईकोर्ट की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ बड़े बड़े मामले में तो हाईकोर्ट जो अपना भूमिका अदा करता ही है और अच्छा करता है, लेकिन छोटे छोटे मामलों में भी देखिए, आम आदमी को भी यही महसूस होना चाहिए कि मैं भी अगर न्यायालय जाता हूँ तो मेरी भी बात सुनी जाएगी और मेरी बात, इसमें जजेज को चाहिए कि एक्स्ट्रा पेन लें गरीबों के लिए, परेशान लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, और जो दीनहीन लोग हैं उनके लिए जजेस को थोड़ा, हाईकोर्ट के जजेस को खास करके इलाहाबाद जहाँ जिसकी इतनी वैभवशाली परंपरा है, उनको एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ेगा, उनको न्याय दिलाना पड़ेगा, तब लोग जनता की पूरा विश्वास जमेगा। एक एक आदमी का जितना विश्वास हाईकोर्ट में जमेगा, उतने ही हाईकोर्ट की ऊंचाई और बढ़ती जाएगी। जी जी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट कम से कम 150 बढ़ते हुए ये तो ये शपथ लेना चाहिए कि हमें वो परंपरा इस्तेमाल करेंगे, ताकि चलिए इस बात की, पांडे जी, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के का जो नेतृत्व है वो इस बारे में सोचेगा। फिलहाल हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर हम न्यायपालिका की बृहत्तर चुनौतियों की अगर बात करें, तो आप कौन सी उनको किस तरह से प्रायोरिटाइज करेंगे, यानी सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं? क्या ये माना जाए कि जो लंबित मामलों की बढ़ती हुई संख्या है ये सबसे बड़ी चुनौती है, या इसके अलावा भी अन्य चुनौतियां हैं? देखिए, पहली प्रायोरिटी तो ये है कि लंबित मामले हैं वो जल्दी से जल्दी निपटाए जाएं, और उसके लिए पहला अगर कुछ कर सकते हैं तो जितने खाली पद हैं उन सारे खाली पदों को आप जल्दी से जल्दी, चाहे हाईकोर्ट लेवल पे हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, सबको उनको भर दें। दूसरा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम हाईकोर्ट में तो काफ़ी अच्छा हो गया है, लखनऊ में बेंच में बिल्डिंग बहुत अच्छी बन गई है, इलाहाबाद की बच्ची बन गई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे भी हमके बिल्डिंगों में वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए कि ताकि अच्छे ढंग से जजेज बैठ के वहाँ काम कर सकें। तीसरा ये है कि देखिए, भ्रष्टाचार का जो स्थिति है वो कम से कम जुडिशरी में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, वहाँ बिल्कुल 1% भी भ्रष्टाचार, चाहे निचली अदालत हो चाहे उच्च न्यायालय हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे हाईकोर्ट के जजेस को, चाहे जो भी उसके विधायिका को, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ किसी भी न्यायालय में, चाहे निचली अदालत के न्यायालय हो चाहे हाईकोर्ट में हो, कहीं सुनने में ना आवे। चौथी बात है कि जब मॉडर्नाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ढंग से सारी चीज़ें हो रही है, उसको हमको और तेज़ी से उसका विकसित करना चाहिए ताकि हम आसानी से चीज़ों को न्याय प्राप्त कर सकें। और पांचवा है कि देखिए, जब तक हम जल्दी न्याय नहीं दे पाएंगे, अगर कम से कम 2 महीना 3 महीना साल भर 6 महीने के अंदर अगर हम न्याय नहीं दे पाते हैं, 20-20 साल पर अगर न्याय देंगे, तो निश्चित रूप से लोगों को लगेगा कि भाई अदालत क्यों जाए। यानी जाहिर तौर पर जो पेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि पेंडेंसी बहुत ह्यूज है अगर सारी अदालतों की बात देखें। और देखिए, चूंकि अदालतों में ऐसा है तो वही परंपरा बाकी जो बॉडीज हैं उनमें भी निकल कर आती है, चाहे वो ट्राइब्यूनल हो या फिर वो जो हमारे जो आरटीआई के आने के बाद हमारे जो सीआईसी या दूसरे संस्थान हो। हम केशवनाथ त्रिपाठी जी साहब, जो कि महामहिम राज्यपाल हैं, उनसे हम ये समझना चाहेंगे, अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं, पेंडेंसी सबसे बड़ी चुनौती है ये निश्चित रूप से समझा जा सकता है, क्या जैसा कि अभी पांडे जी ने कहा भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस का की जो बात जो पांडे साहब ने कही वो होनी चाहिए, वो अपनाई जानी चाहिए, क्या फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा? भ्रष्टाचार के मामले में भी न्यायालय सक्रिय रहा है, जहाँ जहाँ शिकायत आई है, और वह शिकायत यदि कानून के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत की गई है तो न्यायालय चुप नहीं बैठा है, न्यायालय ने उस पर कार्रवाई की है। कभी कभी लोग अतिरेक कर जाते हैं, अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वो भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार का दूसरा रूप है, क्योंकि उस उल्लंघन से जब किसी विशेष प्रकार का लाभ किसी विशेष प्रकार के ग्रुप को देने की कोशिश की जाती है तो न्यायालय हस्तक्षेप करता है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरक्षण की नीति के संबंध में कहा कि आरक्षण प्रत्येक स्तर पर लागू होगा, यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी आरक्षण लागू होगा, उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और उसको निरस्त किया। तो जहाँ जहाँ न्यायालय को लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार की कहीं बू आ रही है तो वो हस्तक्षेप करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए,
तो और यहाँ तक आपने एरियस की बात की कि पेंडेंसी है, पेंडेंसी वास्तव में प्राथमिकता के आधार पर दूर कर दी चाहिए, लेकिन ये पेंडेंसी का कारण क्या है इसकी तह में भी जाने की आवश्यकता है। यदि जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नियम और कानून के अनुसार अपने दायित्व का निर्वाह करें और कानून के अनुसार अपने एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को लेना शुरू करें तो न्यायालय में व्यक्ति को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। न्यायपालिका में तो आदमी तब जाता है जब एग्जीक्यूटिव डिसीजन से प्रभावित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया केसरीनाथ त्रिपाठी साहब, आपका वक्त की थोड़ी सी कमी है, काफ़ी सार्थक चर्चा आप दोनों मेहमानों से हुई, साथ में सीबी पांडे साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भले ही कई अच्छे फैसले दिए हों और बहुत देश में पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको लेकर एक उदाहरण पेश किए हों, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी विवादों में रहा है और न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगे हैं। उन विवादों की चर्चा हमने इस खास चर्चा के अंदर नहीं की, लेकिन निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि देश की अगर पूरी न्यायपालिका की बात करें तो बहुत सारे कदम ऐसे हैं जिनको कि सियासी स्तर पर बहुत जल्द उठाए जाने की ज़रूरत है। और हमारा ऐसा मानना है कि अगर बात लंबित मामलों की जाए, पेंडेंसी की जाए अदालतों में, तो कम से कम राजनीतिक तौर पर यह मामला अनएड्रेस्ड रहा है, यानी इस पर ध्यान उतना नहीं दिया गया है जितना कि दिए जाने की ज़रूरत है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।